वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और सब अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। सो वेरी वेलकम टू द सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सभी प्यारे साथियों, और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं हमारे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम डायनेस्टी के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने अभी तक कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में चर्चा करी थी। अब उससे आगे इल्तुतमिश के आगे जो उसके घर में किस प्रकार से साम्राज्य बढ़ रहा था, किस प्रकार से साम्राज्य विस्तार हो रहा था, उसके बारे में आज के इस सेशन में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, काफी सारी डिटेलिंग्स आपको समझ में आएगी कि क्यों ये जो 1236 से लेकर और 1266 तक का जो समय था, जो ये करीबन 30 साल का समय था, इसमें क्यों जो राजा थे वो लगातार बदल रहे थे, या फिर जो आखिरी राजा रहा नासिरुद्दीन महमूद शाह, उसे नासिरुद्दीन महमूद क्यों कहते हैं। भाई नासिरुद्दीन महमूद की तो मृत्यु हो चुकी थी, तो उसका नाम नासिरुद्दीन महमूद क्यों आया। उसके बाद दूसरी हम बात करेंगे कि बलबन कैसे अपनी सत्ता पर काबिज हुए। तो इन सभी बातों पर आप लोगों के साथ में चर्चा करने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेलकम टू द सेशन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, सभी प्यारे साथियों एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर देना और फिर हम सेशन की शुरुआत यहाँ पे करते हैं, ठीक है। काफी सारी चीजें आज आप लोगों को इस पर्टिकुलर सेशन में समझ में आने वाली है। चलिए तो शुरुआत करें एक बार। ओके एक बार एक बार जल्दी से बताइए क्या ये सेशन शुरू हो चुका है। ओके सो एवरीथिंग इज फाइन, आई थिंक सबको आवाज सही आ रही है, सब चीजें क्लियर हैं और सब चीजें बिल्कुल बहुत अच्छे से चल रही हैं, है ना। मैं एक बार यही देख रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर जो स्ट्रीमिंग है वो चल नहीं रही है। सो एवरीथिंग इज फाइन नाउ। चलिए तो बात करते हैं आज के सेशन की। तो मैंने जैसा कहा कि आज हम जो है इल्तुतमिश के आगे क्या क्या चीजें थी, किस प्रकार से उसका परिवार जो था वो काम कर रहा था, किस प्रकार से चीजें चल रही थी, उन सब बातों पर चर्चा आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं एक बार। तो सबसे पहली चीज आती है मेरे प्यारे दोस्तों कि हम गुलाम वंश पढ़ रहे थे, इसमें मैंने शुरुआत में आपको मुस्लिम इन्वेजन आपको समझाया था कि कैसे जो मुस्लिम्स थे वो आए थे। सबसे पहले अरबी आए थे, अरबियों को प्रतिहार वंश ने रोका था, नागभट्ट प्रथम ने इनको रोका था। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर यहाँ पर लोग आने शुरू हुए थे वे टर्किश थे। टर्किश जो हुआ करते थे ये पर्टिकुलरली इन्वेडर्स थे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले गजनी आया, फिर गौरी, और गौरी के जाने के बाद इसके तीन कमांडर्स ने यहाँ पर जो है अपनी सत्ता बनानी शुरू करी, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदूज और कुबाचा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने बात करी थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस प्रकार से दिल्ली में अपनी सल्तनत बनानी शुरू करी, हालांकि इसकी राजधानी लाहौर हुआ करती थी। फिर हमने इल्तुतमिश को देखा, इल्तुतमिश ने किस प्रकार से सत्ता काबिज करी, आरम शाह की हत्या करी और कैसे ये दामाद बना कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो बड़ी दिलचस्प कहानी थी। और उसके बाद आगे हमने जब चर्चा करी तो अब बात आती है दोस्तों कि इल्तुतमिश के बाद क्या हुआ, इल्तुतमिश के बाद चीजें किस प्रकार से बदली या क्या क्या चीजें यहाँ पर चल रही थी। आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को कुछ डिटेलिंग्स यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आगे पूरी कहानी उसी चीज पर जो है आपकी निर्भर करेगी और आप लोगों को वो चीजें पता होनी चाहिए बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चलो सो बात करते हैं। सबसे पहले देखो क्या हुआ है, एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पर 1229 में एक घटना घटी थी। ये जो पूरी कहानी शुरू हो जाती है कि रजिया सुल्तान कैसे सत्ता पर काबिज आई, इसकी कहानी की शुरुआत होती है 1229 में। 1229 में जो अपना ये इल्तुतमिश था, इसका एक बेटा था, इसके बेटे का नाम था नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम था? नासिरुद्दीन महमूद। ये नासिरुद्दीन महमूद जो था ये इसका सबसे बड़ा बेटा हुआ करता था, एल्डेस्ट सन, ठीक है, सबसे बड़ा बेटा होता था, एल्डेस्ट सन हुआ करता था। अब क्या होता है कि भाई इसकी जो हो जाती है ना, इसकी हो जाती है मृत्यु, 1229 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु के कारण, इसकी जैसे ही मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु के कारण जो इल्तुतमिश है वो काफी ज्यादा गमजदा हो जाता है, ठीक है। अब इल्तुतमिश जो है वो गमजदा हो गया, उसे ये हो गया कि भाई मेरा सबसे जो बड़ा बेटा था वो तो मर गया। बड़े बेटे के मरने के कारण अब जो उत्तराधिकारी वाली स्थिति है वो खतरे में आ गई है ना, क्योंकि इल्तुतमिश ने एक चीज देखी, इल्तुतमिश ने देखा कि भाई इसका एक और बेटा है, इसके वैसे दो बेटे हैं, आपको बता दूं, एक है बहराम शाह,
एक है बहराम शाह, ठीक है ये याद रखना, और एक बेटा है इसका रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है एक बेटा है बहराम शाह और एक बेटा है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज जो है इसकी माँ का नाम है, इसकी माँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, चीज मतलब एक लेडी है, इनका कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है इस पूरी कहानी में। इनका नाम था शाह तुर्कान, क्या नाम था? शाह तुर्कान, ठीक है। अच्छा जहां पर हम बात करते हैं रजिया सुल्तान की, तो रजिया सुल्तान की स्टेप मदर थी यानी सौतेली माँ, ठीक है भाई। राजा महाराजा ऐसे होते थे ना, बहुत सारी पत्नियां वगैरह इनकी होती थी, बहुत सारी रानियां अपने पास ही रखते थे, तो यहाँ पे भी यही चीज थी। यहाँ पे एक पत्नी थी जिनसे रजिया सुल्तान थी, बहराम शाह थे, और एक पत्नी थी जिनसे इनको एक बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज, यानी रुकनुद्दीन फिरोज जो था ये रजिया सुल्तान का सौतेला भाई यानी हाफ ब्रदर भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये सारी स्थिति यहाँ पर थी। अच्छा इसके अलावा एक और इनकी पत्नी थी, इनका नाम था मलिकाए जहां, इनका नाम क्या था? मलिकाए जहां। एक और पत्नी थी भाई, इनका नाम था मलिकाए जहां, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मलिकाए जहां की जब हम बात करते हैं तो एक बार जरा यहाँ पे सुनिएगा पूरी की पूरी बात की बात है क्या, ठीक है। मलिकाए जहां की जब बात आती है तो मलिकाए जहां से इनको एक बेटा हुआ था, और उस बेटे का नाम इन्होंने क्या रखा था? उस बेटे का नाम रखा था नासिर उद्दीन महमूद। उस बेटे का नाम क्या रखा? नासिर उद्दीन महमूद। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी तो बताया आपने कि नासिरुद्दीन महमूद मर गया है ना, और उसकी बहन को फिर शासिका बनाया गया, फिर ये कहां से दोबारे पैदा हो गया? अब सुनो क्या था भाई, 1229 में नासिरुद्दीन महमूद जो था, ठीक है जो सबसे बड़ा बेटा था, दोबारे से पूरी कहानी याद करो, उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है वो मर गया, जो कि इल्तुतमिश को लगता भी था कि आगे आने वाले समय में यही राजा बनेगा, इसी को मैं राजा बनाऊंगा, इसी को उत्तराधिकारी बनाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि भैया यहाँ पे मलिकाए जहां, ठीक है ये इनकी एक और पत्नी थी, इनसे इनको एक बेटा हुआ, उसी दौरान जिस दौरान इसकी मृत्यु हुई नासिरुद्दीन महमूद की, उसी दौरान इनको एक बेटा हुआ, और इसका नाम इन्होंने भाई गमजदा थे तो क्या नाम रख दिया? नासिरुद्दीन महमूद। तो इसलिए यहाँ पे कई बार ना बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि नासिरुद्दीन महमूद मर गया लेकिन दोबारे से फिर राजा कैसे बन गया, तो ये वाली घटना थी यहाँ पे। 1229 में इसका जन्म हुआ और 1246 में ये राजा बन गया था, यानी मात्र कितनी उम्र की आयु हो रही होगी इसकी? 17 साल की आयु इसकी रही होगी, ठीक है 15-16 साल की आयु में ये दोबारा, 17 साल की आयु में ये दोबारा से राजा यहाँ पे बन गया, सॉरी मतलब राजा बन गया था, ठीक है। वो सारी कहानी क्या है आगे बताऊंगा, बात समझ में आई ये वाली, ठीक है। अब सुनो ये वाली कहानी अगर समझ में आई है तो फिलहाल ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, अब बाकी चीजों को जरा डिस्कस कर लो फटाफट से। देखो क्या था, देखो जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई कि यहाँ पे एक नाम था शाह तुर्कान, क्या नाम था? शाह तुर्कान। शाह तुर्कान जो थी वो रजिया सुल्तान की सौतेली माँ, और इससे इनको एक बेटा था, क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से क्या हुई थी यहाँ पे सारी की सारी घटना भाई। रजिया सुल्तान जो थी ना, एक बार क्या हुआ, एक कहानी है 1231 की, ठीक है 1231-32 की एक कहानी है, एक घटना घटित हुई थी भाई। इल्तुतमिश जो थे, इल्तुतमिश को ग्वालियर जाना पड़ा, इन्हें कहाँ जाना पड़ा? ग्वालियर। ये ग्वालियर चले गए और बड़ा बेटा तो मर गया, ये ग्वालियर जा रहे हैं, और बाकी के जो इनके बेटे हैं जैसे बहराम शाह है या रुकनुद्दीन फिरोज है, उनको इनको उनकी हैसियत पता थी कि वो किस काबिज हैं, ठीक है किस काबिल हैं, कितना हद तक वो साम्राज्य को चला सकते हैं। उस दौरान पहली बार इन्होंने जो है अपना रुख किया किसकी तरफ? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का जन्म जो है 1205 में हुआ था, तो इस समय इनकी उम्र लगभग 26 साल थी। तो इनको दोस्तों इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये रजिया सुल्तान को दिल्ली सौंप गए। इन्होंने कहा कि बेटा देखो मैं तो जा रहा हूँ जरा ग्वालियर, बड़ा काम है जरा इंपॉर्टेंट, तुम क्या करो तुम जरा जाओ कहाँ पे? दिल्ली, ठीक है दिल्ली जाओ, और दिल्ली जाकर वहां पर साम्राज्य को थोड़ा मेरे लिए संभालो। बहुत बढ़िया भाई, रजिया सुल्तान को मौका मिला कि वो अपने स्किल्स को अपने पिता को दिखा सके कि भाई किस प्रकार से साम्राज्य को मैं भी संभाल सकती हूँ। और यही चीज थी कि इल्तुतमिश जैसे ही वापस आए दिल्ली, और इल्तुतमिश ने देखा कि किस बेहतरीन तरह से रजिया सुल्तान ने वहां पर सत्ता को संभाला है, उसी दौरान इल्तुतमिश ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब जो है भाई मेरे बाद, मेरे जाने के बाद यहाँ पे किसको बनाया जाएगा शासिका? यहाँ पे शासिका बनाया जाएगा रजिया
सुल्तान को। तो रजिया सुल्तान का नाम इस तरह से इन्होंने वसीयत में लिख दिया था, ठीक है, ये बात हुई थी। अब भाई सिंपल सी बात है, रजिया सुल्तान का नाम लिख दिया और यहाँ पर दो दो बेटे बैठे हुए हैं अभी, एक बैठा है रुकनुद्दीन फिरोज और दूसरा बैठा है बैराम शाह, तो इन दोनों को क्यों नहीं बनाया भाई? भाई सिंपल सी बात थी, देख लिया था ना, दिख जाता है। बहराम शाह ये भी सारे दिन शराब पीना और नर्तिकाओं के नाच देखना, उसके अलावा खान पान में ध्यान देना, ठीक है, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान था, ऐसा ही कुछ था। रुकनुद्दीन फिरोज का भी हाल, ये भी जो है बहुत ही बेकार सक्सेसर साबित होता, तो इसलिए रजिया सुल्तान को यहाँ पे राजा बना दिया गया, यानी शासिका बना दिया गया। लेकिन हुआ क्या भाई, सिंपल सी बात है, जैसे ही रजिया सुल्तान का नाम आया तो बहुत सारे जो वजीर थे या बहुत सारे जो नॉबल्स थे, बहुत सारे जो इनके एरिस्टोक्रेट्स थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम एक महिला के अंदर शासन नहीं कर सकते। और इसी चीज का फायदा उठाया शाह तुर्कान ने। भाई जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, शाह तुर्कान ने क्या किया, शाह तुर्कान ने यहां पर अपने बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को राजा बनवा दिया, ठीक है, अपने बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को इसने राजा बनवा दिया, इसको गद्दी पर काबिज करवा दिया। अब बात यह आती है कि कैसे यहाँ पे ये जो शाह तुर्कान है ना, ये बहुत चालाक लेडी थी, इसकी ही सारी ये पूरी की पूरी चालाकी थी जिसकी वजह से रुकनुद्दीन फिरोज बैठा, हालांकि वो काबिल नहीं था लेकिन फिर भी उसको बिठा दिया गया। अब क्या होता है, अब होता ये है कि भाई रुकनुद्दीन फिरोज के बाद जो अपने ये शाह तुर्कान थी, रुकनुद्दीन फिरोज सत्ता को चला नहीं पा रहा था, ठीक है, ये जो है बहुत ही बेकार रूलर था, चला नहीं पा रहा था, तो इसी बीच में शाह तुर्कान ने क्या किया, इन्होंने अपने हाथ से सत्ता चलानी शुरू करी, यानी पीछे बैठती थी, आगे अपने बेटे को बिठाती थी और खुद पूरी की पूरी सत्ता चलाया करती थी। अब बात आती है आगे कि भाई शाह तुर्कान को किस तरह से हटाया गया, तो रजिया सुल्तान जिनका नाम वसीयत में लिखा हुआ था, मैंने आपको बताया रजिया सुल्तान ने जनता को एकत्रित किया, जो पर्टिकुलर दिल्ली की जनता थी उनसे जाके रजिया सुल्तान जो है अपना एलाई उनको बनाया और उनको कहा कि आप खुद बताइए कि क्या जो ये चीजें हो रही हैं, क्या ये सही हैं या गलत हैं, यानी एक प्रकार से पूरी जनता को ही विद्रोह में खड़ा कर दिया, ठीक है। अब जब जनता ही विद्रोह में खड़ी हो गई तो उस केस में नॉबल्स मंत्री वजीर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ये वाली चीज आ गई थी। और भाई कुछ इनके साथ मंत्री भी इनके साथ थे, ठीक है, वो चाहते थे कि रजिया सुल्तान शासिका बने। तो फाइनली क्या हुआ कि 1236 में शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज इन सबको हटाया गया और फाइनली हमारी रजिया सुल्तान जो थी वो यहाँ पर शासिका बनी और दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली की पहली महिला शासिका बनकर गद्दी पर काबिज। बात समझ में आई? तो ये सारी बात यहां तक की क्लियर है, यहां तक की कहानी क्लियर है या नहीं, एक बार जल्दी से बताओ। वेरी गुड आफ्टरनून सुदेविका, लावण्या, प्राची, रश्मि, सभी का स्वागत है। और एक बार मुझे जल्दी से बताओ कि क्या यहाँ तक की कहानी आप सबको समझ में आई कि किस प्रकार से रजिया सुल्तान यहाँ पर गद्दी पर बैठी है। मैंने आपको बताया 1229 में, दो तीन बातें आपको याद रखनी है, 1229 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद मर जाता है। उसके बाद रजिया सुल्तान जो है 1231-1232 में पहली बार दिल्ली की गवर्नर बनाई जाती है और 1236 में ये अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज जो कि इसका सौतेला भाई था उसको गद्दी से हटा के क्या बनती है, उसको गद्दी से हटा के ये यहाँ पर शासिका बनती है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है जो मैंने आपको समझाई है, क्लियर होगी? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। तो ये चीज हुई दोस्तों किसके साथ, रजिया सुल्तान के साथ। रजिया सुल्तान ने यहां तक अपना इस तरह से भाई सत्ता को काबिज किया 1236 में। अब इससे संबंधित हम कुछ चीजें देख लेते हैं। देखो यही वाली कहानी ना इस वाले पॉइंट में समझाई गई है। बिफोर असेंडिंग टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर हर फादर्स डेथ, द राइन वॉज ब्रीफली हैंडेड ओवर टू हर हाफ ब्रदर रुकनुद्दीन फिरोज, बट आफ्टर फिरोज एसेसिनेशन विद इन 6 months ऑफ हिज एसिडेंसी, द नॉबल्स एग्रीड टू प्लेस रजिया ऑन द थ्रोन। भाई रजिया सुल्तान को बिठा दिया गया गद्दी पे, लेकिन जैसा आप जानते हो भाई हमारा जो ये भारत है या हमारा जो ये पूरा विश्व है, इसमें ज्यादातर जगहों पर किस प्रकार की सोसाइटी चलती है, पैट्रियार्कल सोसाइटी, है ना, पैट्रियार्कल सोसाइटी, यानी कि पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान विश्व है। और यहाँ पर जब भी कभी महिलाएं जो है आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो भाई कहीं ना कहीं पुरुषों का ईगो हर्ट होता है, तो वही चीज यहाँ पर भी हुई। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने रजिया सुल्तान ने क्या किया ऐसा कि यहाँ पर पुरुषों का ईगो और ज्यादा हर्ट हुआ, तो वो सारी अब बात सुनिएगा।
रजिया सुल्तान ने, भाई देखो जब ये आई शासिका बनी तो सबसे पहली बात थी कि इन्हें ना एक उपाधि दी जानी थी सुल्ताना, ठीक है। सुल्ताना का एक्चुअली मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा समझिएगा। सुल्ताना का एक्चुअली में मतलब होता है कि राजा की पत्नी, ठीक है, पत्नी को सुल्ताना कहते हैं। तो कायदे में तो इनको सुल्ताना की उपाधि जो सारे के सारे मंत्री थे वजीर थे वो इनको देना चाहते थे, लेकिन हुआ ये कि इनको, इन्होंने सुल्ताना की उपाधि नहीं धारण करी, इन्होंने क्या कहा, मैं सुल्ताना नहीं मैं सुल्तान कहलाऊंगी। तो इन्होंने किस उपाधि को धारण किया, सुल्तान उपाधि को धारण किया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात भाई, ज्यादातर जो इनके नॉबल्स थे जो इनके मंत्री थे उन्होंने एक बात सोची, उन्होंने जब इनको गद्दी पर बिठाया तो उन्होंने एक चीज सोची थी कि भाई गद्दी पर तो ये बैठेगी लेकिन पूरा का पूरा हक तो हमारा ही होगा ना, हम अपने हिसाब से पूरा साम्राज्य को चलाएंगे। लेकिन रजिया सुल्तान जो थी, जैसा मैंने आपको बताया, ये पढ़ी लिखी अच्छी खासी लड़की थी और उसके साथ साथ इनको साम्राज्य के बारे में बहुत सारा ज्ञान था। तो इन्होंने जितने भी नॉबल्स थे जो भी इनके खिलाफ जाते थे या फिर अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते थे तो किसी की चली नहीं, इस वजह से काफी सारे नॉबल्स इनके खिलाफ होते चले गए। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी भाई, इन्होंने ना दो चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया। पहली चीज, शुरुआत के समय में जब ये बिल्कुल बनी नई नई सुल्तान, उस समय ये पर्दा करके बैठती थी, मतलब दरबार में आई तो दरबार में पर्दा करा, पर्दे के पीछे ये बैठती थी, आसपास इनके जो है फीमेल गार्ड्स होते थे वो इनको गार्ड करते थे और पर्दे के पीछे से अपनी बात बोलती थी। आपने देखा भी होगा, ज्यादातर पिक्चरों में दिखाते हैं कि राजा जो होता था, राजा की पत्नी कहाँ बैठती थी, थोड़ा पर्दे के पीछे बैठती थी, ठीक है, अगर उसको कोई एडवाइस देनी होती थी तो वहां से वो बोला करती थी, सामने नहीं आती थी, ठीक है। ये जो बात है ना ये बहुत आगे तक भी चली है, इवन रानी लक्ष्मीबाई जी के समय तक भी ये चीज चली थी। तो अब क्या हुआ, यहां पर रजिया सुल्तान ने सबसे पहले इसी चीज को खत्म किया, यानी पहली चीज इसने क्या करी, इसने वो सारे काम किए जो उस समय की मुस्लिम सोसाइटी गैर धर्मी मानती थी, यानी अधर्म मानती थी। पहला पहला इन्होंने पर्दा सिस्टम को खत्म कर दिया, ठीक है, पर्दा प्रणाली को खत्म कर दिया। इन्होंने कहा मैं पीछे बैठकर साम्राज्य नहीं चलाऊंगी, सामने आकर साम्राज्य चलाऊंगी, तो पर्दा सिस्टम खत्म हो गया। दूसरी बात भाई, ये जो थी एक महिला थी, और जो एक महिला होती है उनको ये सब अनुमतियां नहीं होती कि वो अपने चेहरे पर से नकाब वगैरह हटाए, मुस्लिम में यही होता है, लेकिन इन्होंने जब ये पर्दा सिस्टम हटाया तो पर्दा सिस्टम हटाने के बावजूद भी, एक सेकेंड रुकिएगा, पर्दा सिस्टम हटाने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, पर्दा सिस्टम हटाने के बावजूद भी इन्होंने यहाँ पर अपना जो जिसको क्या कहते हैं यार, ये जो पहनते हैं मुस्लिम महिलाएं जो पहनती हैं वो भी इन्होंने पहनना बंद कर दिया, ठीक है, बुर्का जिसको कहते हैं, तो वो भी ये नहीं पहनती थी। इसकी जगह पर ये क्या पहनती थी, इसकी जगह पर अगर हम बात करें तो ये जो थी ये पहना करती थी क्लॉक, ठीक है, ये क्या पहना करती थी, ये क्लॉक पहना करती थी। अब ध्यान से सुनिएगा, क्लॉक क्या होता है, क्लॉक आप सबने शायद पढ़ा होगा, क्लॉक होता है एक प्रकार का एक हुड होता है, ठीक है, आपने वो वाली कहानी सुनी है रेड राइडिंग हुड। रेड राइडिंग हुड में एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि अपनी नानी के घर जा रही होती है, उसे बीच में एक लोमड़ी मिलती है, तो लोमड़ी जो है उसको क्या करती है, वो उसको खाने की कोशिश करती है और फिर उसकी नानी के घर भी जाकर जो है गेटअप चेंज करके बैठ जाती है। तो उस पूरी कहानी में जो लड़की थी उसने अपने सिर पर एक लाल रंग का हुड पहना हुआ था, तो रेड राइडिंग हुड इसका नाम पड़ा था। तो क्लॉक जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का हुड होता है जिसमें पीछे पूरा का पूरा एक राजा की तरह एक कवर भी होता है, ठीक है, तो वो चीज होती है। इसको कहते थे काबा, कहते थे इनकी भाषा में इसको क्या कहते थे, काबा। तो इन्होंने काबा पहनना शुरू किया, पहली बात। दूसरी चीज, इन्होंने जो है सिर पर टोपी भी पहनना शुरू किया जिसको कहा गया कुलहन, ठीक है, क्या कहा गया, कुलहन कहा गया। तो काबा और कुलहन को पहनना इन्होंने शुरू किया, यानी सिर पर एक टोपी भी पहनना इन्होंने शुरू किया, ठीक है। तो ये पूरी घटना जो थी यहाँ पे घटित होनी शुरू हो गई। अब धीरे धीरे जब ये महिलाएं जो है, ये जो महिला थी इन्होंने सारे के सारे जो पुरुषों द्वारा लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाना शुरू कर दिया। तो अब फाइनली क्या होता है, अब फाइनली होता यह है कि भैया इनके खिलाफ जितने भी गवर्नर्स होते थे उन सभी ने इनके खिलाफ क्या कर दिया, उन सभी ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, ठीक है, सारे इनके खिलाफ खड़े हो जाते थे। ये किसी को कोई ऑर्डर देती थी तो ऑर्डर मानते नहीं थे या फिर अपनी चलाते थे, ठीक है। इसी बीच में एक और घटना घटी,
इसी बीच में रजिया सुल्तान को जो है ना प्रेम भी हो गया, ठीक है, रजिया सुल्तान को प्रेम हो गया एक व्यक्ति से, उस व्यक्ति का नाम था याकूत, ठीक है, इनका एक गुलाम होता था, याकूत से इनको प्यार हो गया, ठीक है भाई। याकूत से जैसे ही ये सारी बात जो थी, ये सारी बात बाहर आई कि भाई ये जो है ये तो प्रेम में भी चल रही हैं आजकल, तो ऐसे में इनके और खिलाफ लोग खड़े हो गए। जैसे इनके खिलाफ एक भटिंडा का गवर्नर था, और वो भटिंडा का गवर्नर जो था वो इनका काफी अच्छा मित्र भी हुआ करता था बचपन में, इसका नाम था अल्तूनिया। क्या नाम था? अल्तूनिया इसका नाम हुआ करता था। अब अल्तूनिया ने क्या किया, अल्तूनिया जो था, ऐसा कहते हैं, देखो यहाँ पे ना लव ट्रायंगल शुरू हो जाता है। अल्तूनिया जो था, अल्तूनिया को प्यार था रजिया से, ठीक है, लेकिन रजिया को प्यार किससे था? याकूत से। तो सिंपल सी बात है, जलन जलन खोर आ गया। तो अल्तूनिया ने क्या किया, अल्तूनिया ने साजिश के तहत भटिंडा में रजिया सुल्तान को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। ये बात है 1240 की। 1240 में रजिया सुल्तान को यह पता चला कि भटिंडा में अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया है, ठीक है। अब अल्तूनिया ने जब विद्रोह कर दिया तो इनको दबाने के लिए ये वहां पर पहुंची, लेकिन इनको रजिया सुल्तान को क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया, और इनके ये जो दोस्त थे याकूत, इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। ये पूरी कहानी चल रही थी। अब फाइनली क्या होता है कि रजिया सुल्तान जो थी, इन्हें अल्तूनिया ने क्या किया, हाँ बिल्कुल, हैरी पॉटर जैसे वो क्लॉक पहनते थे, बिल्कुल सही, ठीक है, चौगा कह सकते हो, चौगा पहनते थे, ठीक है। तो अल्तूनिया ने क्या किया, अल्तूनिया ने इनको बंदी बना लिया, और अल्तूनिया अब ये देखने लगा कि कैसे वो जो है गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। ये सारी घटना यहाँ पे घटने लगी। इसी बीच में रजिया सुल्तान को लगा कि यार देखो, अब जो एक तरीका है ना वापस से सत्ता पाने का, वो यही है कि मैं क्यों ना अल्तूनिया के साथ अपने जो संबंध है उनको सुधारूं। तो इन्होंने अल्तूनिया के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए ये कोशिश करी कि ये अल्तूनिया के साथ अब अफेयर में आ गई और वापस से दिल्ली आने लगी। जब ये दिल्ली आ रही थी तो दिल्ली आते समय इनका सामना हुआ इनके अपने खुद के भाई बहराम शाह के साथ। इनका भाई इनके सामने खड़ा था और दोनों के बीच में अच्छी खासी एक लड़ाई हुई, जिसमें कि अल्तूनिया और रजिया सुल्तान को मार दिया गया। ऐसा कहते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कैथल हरियाणा में हुई थी, ठीक है, कैथल के हरियाणा में, सॉरी हरियाणा के कैथल में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी जो कब्र है, कब्र की बात करें तो इनकी कब्र वैसे तो दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में इनकी कब्र पाई जाती है। इनके बराबर में इनकी बहन की कब्र भी है शाजिया की, लेकिन कई जगहों पर आप अगर हरियाणा का जीके पढ़ोगे, हरियाणा के इतिहास पढ़ोगे, तो हरियाणा के इतिहास में ये कहा जाता है कि रजिया सुल्तान की जो कब्र है वो आपके कैथल हरियाणा में है, और हरियाणा का जो HSSC वगैरह का पेपर होता है वो आंसर भी कैथल ही मानता है, ठीक है। तो ये थोड़े से कहीं डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन इनकी जो जो ASI, अगर हम ASI की बात करें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, तो वो कहती है कि इनकी जो टॉम्ब है वो कहाँ पे है, दिल्ली में, ठीक है। तो ये पूरी चीज, तो ये सारी घटना घटी दोस्तों खास तौर से किसके साथ, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद अब क्या होता है, अब होती है यहाँ पर सत्ता की लड़ाई। भाई सत्ता के लिए हर राजा जो है, हर व्यक्ति यहाँ राजा बनने को तैयार है, हालांकि उसमें राजा वाले गुण हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, हर व्यक्ति राजा बनने को तैयार है। तो अब देखिए क्या होता है, अब होता यह है कि बहराम शाह राजा बनता है, इसका जो भाई था बहराम शाह, ये 1240 में गद्दी पर बैठा और 1242 तक ये गद्दी पर बैठा रहा, ठीक है, 2 साल ये गद्दी पर बैठा। लेकिन आप जानते हो वीक रूलर था, ठीक है, अल्कोहलिक था, ठीक है भाई, अल्कोहलिक था, बहुत ज्यादा शराब वगैरह पीता था और इसके कोई काम वगैरह भी नहीं आता था, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली नोबल्स ने, जो नोबल्स होते थे, जैसा मैंने कहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, इन्होंने बहराम शाह को गद्दी से हटा दिया। इन्होंने कहा बेकार है, हटाओ उसको, ठीक है, कोई फायदा नहीं। बहराम शाह गद्दी से हटा, तो बहराम शाह के बाद अब बात आती है अल मसूद की। अल मसूद कौन था, अल मसूद को सुनिएगा, अल मसूद जो था ये ना ग्रैंड सन था। ये कौन था, ये ग्रैंड सन था किसका, इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का ग्रैंड सन था, यानी इसका पोता था। और किसका बेटा था ये, तो ये रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था। ये रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था जी, बिल्कुल वही जो कि रजिया सुल्तान से पहले 6 महीने तक गद्दी पर बैठा रहा, रुकनुद्दीन फिरोज उसका बेटा था ये, ठीक है। तो ये गद्दी पर बैठा,
लेकिन जैसा आप मैंने आप बहराम शाह के बारे में बताया, हूबहू यही घटनाएं अल मसूद के साथ भी घटी। ये भी बहुत बेकार राजा था, कोई काम का नहीं था। फाइनली जो 1229 में बच्चा जन्मा था मलिकाए जहां को, इसको 1246 में गद्दी पर बिठाया गया और 1246 से लेकर 1266 तक ये गद्दी पर बैठा रहा। लेकिन ये एक पपेट किंग था। कैसा किंग था? पपेट किंग था, यानी कि कठपुतली वाला राजा था। कैसा राजा था? कठपुतली वाला राजा था और कठपुतली के तहत ये कार्य करता था। बात समझ में आई? अब यहां पे ही बात आ जाती है एक व्यक्ति की जिसका नाम था बलबन। यहां पर ही एक व्यक्ति आ जाता है बलबन। बलबन की कहानी यहां से शुरू होती है। जब नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पे बिठाया गया 1246 में, देखो इसका जन्म हुआ था 1229 में, ठीक है, 1246 में राजा बन गया, तो यानी करीबन 17 साल का ये था जब इसको राजा बनाया गया। अब ध्यान से सुनो, नासिरुद्दीन महमूद शाह की अगर हम बात करेंगे तो नासिरुद्दीन महमूद शाह जो था, इसके बारे में एक बात याद रखना, ये ना बड़ा रिलीजियस पर्सन था, ठीक है, बड़ा धार्मिक व्यक्ति था। ये कुरानों को, कुरान भी लिखा करता था, यानी कुरान को कॉपी करता था और उनको बेचा करता था। ये भी कहानी इसके लिए बताई जाती है, नासिरुद्दीन महमूद के लिए, जैसे औरंगजेब करता था। औरंगजेब के लिए भी फेमस है कि औरंगजेब जो है क्या करता था, औरंगजेब एक तो टोपी सिलता था, जो मुस्लिम टोपियां पहनते हैं, और दूसरा ये कुरान लिखा करता था, ठीक है, कुरानों को लिखता था और उन्हें बेचता था, ठीक है। तो ये भी वही व्यक्ति था, ये कुरानों को लिखता था, उन्हें बेचा करता था, थोड़ा धार्मिक व्यक्ति। और मैंने हमेशा से कहा, मैंने आपको जब राष्ट्रकूटास पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था, या फिर कोई भी धर्म पढ़ाया था मैंने आपको बताया था, जैसे ही कोई भी राजा धर्म की तरफ अपना ध्यान देना शुरू कर देगा, उसका साम्राज्य समझ लेना उसी दौरान गिर जाएगा, ठीक है। अशोक, अशोक एक बहुत ही अच्छा राजा था, लेकिन उसके बाद तो कोई नहीं चला पाया, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे ही कोई भी व्यक्ति धर्म की तरफ जाना शुरू करेगा साम्राज्य खत्म। तो यहाँ पे नासिरुद्दीन महमूद शाह के साथ भी यही हुआ, धर्म की तरफ जाना शुरू कर दिया और ये जो है भाई एक अच्छा राजा नहीं बन पाया। इसका सारा काम कौन संभालता था? बलबन। अब बलबन जो था ना, बलबन के बारे में एक बात याद रखना, बलबन जो था, बलबन एक बहुत ही बढ़िया शासक था, ठीक है, शुरुआत से ही। बलबन कौन से संघ का हिस्सा हुआ करता था? ये चालीसा का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा होता था? चालीसा का। चालीसा जो है ये आपका एक ग्रुप था जो अल्तुतमिश ने बनाया था, तुर्कानी चहलगानी। मैंने आपको बताया कि तुर्कानी चहलगानी इसका नाम होता था, चालीसा इसको कहते थे। तो इसने जो है यहाँ पर नासिरुद्दीन महमूद के लिए पूरे साम्राज्य को चलाना शुरू किया और धीरे 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 इसने बाकी सारे लोगों को गद्दी अपने सामने से हटाता चला गया। और फाइनली 1266 में जैसे ही नासिर की मृत्यु होती है, ठीक है, अब ये क्लियर नहीं है कि नासिर की मृत्यु कैसे हुई है, क्यों वो मर गया, ठीक है, क्योंकि कम उम्र में ही चला गया था, ज्यादा उम्र तो थी नहीं, लेकिन 35-37 साल की उम्र में ही वो चला गया। अब यहाँ पे इसकी मृत्यु के बाद ना इसका कोई सक्सेसर नहीं था, यानी इसकी कोई औलाद नहीं थी। अब इसकी कोई औलाद नहीं तो क्या हुआ भाई, साम्राज्य का पद जो है खाली पड़ा है। तो बलबन ने इस समय फायदा उठाया क्योंकि शुरुआत से ही वो नासिर को गाइड करता चल रहा था। अब भी इसने अपनी सत्ता को काबिज किया, नासिर को हटते ही गद्दी पर बैठा। जो चालीसा ग्रुप हुआ करता था, चालीसा को अपने पद से हटाया और पद से हटाने के बाद इसने अपनी सत्ता यहाँ पे बनाई। तो ये सारी चीजें हुई किसके साथ दोस्तों? बलबन के साथ। बलबन ने अपने आप को गद्दी पर बिठाया 1266 से 1287 और गुलाम वंश का सबसे बढ़िया और सबसे आखिरी शासक यही था। इसके बाद जो एक दो शासक आए वो बेकार थे, कुछ नहीं था उसमें, वो आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए बलबन आ चुका है 1266 में। अब बलबन की कहानी यहाँ पे शुरू होती है, ठीक है। तो ये बात आ जाती है भाई, नाइन्थ सुल्तान था ममलुक डायनेस्टी, ममलुक मैंने आपको बताया कि ममलुक वंश इसको कहते थे, और ये नेक्स्ट नोटेबल रूलर था आफ्टर रजिया। रजिया के बाद अगर कोई व्यक्ति जिसका नाम यहाँ पे आया राजाओं में तो वो था बलबन। बलबन को यहाँ पे बहुत ज्यादा माना गया। ये भाई वजीर होता था सन का, किसके बेटे का वजीर होता था? ये नासिरुद्दीन महमूद, मैंने आपको अभी अभी बताया कि नासिरुद्दीन महमूद जो था उसका बहुत ही प्रिय वजीर था, उसी इसी के कहने पर साम्राज्य चल रहा था जब तक वो गद्दी पर था। और ये टर्किश ओरिजिन था, इसका असली नाम था बहुद्दीन। क्या नाम था? बहुद्दीन इसका असली नाम हुआ करता था, ग्यासुद्दीन बलबन। बाद में इसने खुद को उपाधि दी ग्यासुद्दीन बलबन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इसको जो है गुलाम के तौर पर खरीदा गया, चालीसा के संघ में इसको रखा गया, ठीक है।
ये बहुत ही अच्छा एक आर्मी अफसर था, मतलब बहुत ही अच्छे से आर्मी को कंट्रोल करता था। और ये सारी कहानी मैंने आपको बताई कि बलबन क्यों गद्दी पर बैठा, क्योंकि नासिर के बाद कोई भी वहां पर गद्दी पर काबिज होने के लिए तैयार नहीं था और ना ही उसका कोई बेटा था। ठीक है, अब बात आती है कि इसने क्या क्या काम किए जो कि आगे चलकर इसका इतना नाम हुआ, क्यों इसका नाम इतने उससे लिया जाता है कि भाई गयासुद्दीन बलबन एक राजा हुआ है, इसका नाम दिल्ली सल्तनत में बड़े ही तहजीब से लिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या क्या चीजें थी जरा सुनिएगा। सबसे पहली चीजें हैं, यहाँ पर कुछ चीजें इसकी लिखी हुई हैं, लेकिन उससे पहले मैं जरा एक बार आप सब पे ध्यान दे लूं, आप सबको कुछ समझ में आ भी रहा है, आज बड़ी कम संख्या में बच्चे आए हैं, पता नहीं जो भी वजह है आज की, तो एक बार जल्दी से बता दो यहां तक चीजें क्लियर हैं क्या? चलिए बताइए फटाफट से, इज एवरीथिंग क्लियर अप टू हेयर? यहां तक की बातें आई होप सबको समझ में आई होगी कि कैसे रजिया सुल्तान से जो साम्राज्य था वो आपका यहां तक आया, कैसे बहराम शाह, अल मसूद और नासिरुद्दीन महमूद जो थे वो राजा बने, और अब फाइनली बलबन जो है वो यहां पर आ चुका है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अगली बात आती है बलबन की। अब बलबन के बारे में बात करोगे तो बलबन जो था ना एक बहुत ही स्ट्रिक्ट राजा था। ठीक है, अभी फिलहाल इसकी बस मैं एक कहानी आज पूरी करूंगा, बाकी मैं इसको कल, ठीक है, कल इसको कंटिन्यू करूंगा और फिर हम खिलजी वंश भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप बस एक कहानी सुन लीजिए। एक कहानी ये है कि बलबन जो था, बलबन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात फेमस है कि बलबन ना अपने विद्रोहियों को नहीं छोड़ता था। ठीक है, विद्रोह जिसने किया वो समझ लो खत्म है। एक बार क्या हुआ, एक तरफ बलबन था, ठीक है, और एक तरफ इसका एक बेटा था। इसका बेटा जो था ना वो एक छोटा बेटा था, मतलब जो दूसरे नंबर पे था, और एक पहले नंबर पे था। तो सिंपल सी बात है भाई, बलबन को पता है कि पहले नंबर पे जो बेटा है उसे ही मैं राजा बनाऊंगा, दूसरे वाले को थोड़ी बनाऊंगा। तो एक बार क्या हुआ ना, ये दूसरा वाला जो बेटा था इसने ये कहा कि भाई मैं जो हूं ना, मैं मतलब इसके बारे में ये खबर बलबन को पता चली कि ये विद्रोह कर रहा है, ये कहीं ना कहीं इसके मन में विद्रोह के बीज जो है वो उग रहे हैं। तो बलबन ने इसको क्या किया, इसको कहा कि चलो बेटा एक बार जरा घूम के आते हैं। तो बलबन अपने इस छोटे बेटे को लेके गया एक जगह जहां पर बलबन अपने जो दुश्मन होते थे, जो विद्रोही होते थे, उनको सजा दिया करता था। जब ये दोनों यहां पर पहुंचे तो बलबन ने, जब ये इस पथ से गुजर रहे थे, दोनों के दोनों इस पथ से गुजर रहे थे, तो यहां पर इन्हें किनारे पर ना इस प्रकार से एक्स बने हुए दिख रहे थे। ठीक है, इस प्रकार से क्रॉस बने हुए इन्हें दिखाई दे रहे थे, बहुत सारे क्रॉस बने हुए थे सड़क के दोनों तरफ, और सारे क्रॉसेस पर किसी ना किसी की लाश लटकी हुई थी, या तो वो लाश जो है कौवे वगैरह खा रहे थे, या फिर वो लाश जो थी कंकाल बन चुकी थी। तो बलबन से इसके छोटे बेटे ने पूछा कि पापा ये बताइए, यहाँ पे हम आए हैं, कोई बात नहीं, मुझे ये तो बताओ ये सब है कौन, ये किसको सजा दे रखी है आपने? तो बलबन ने उस समय अपने बेटे से कहा कि बेटा एक्चुअली में बात ये है कि ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश करी थी, या विद्रोह करने के बारे में सोचा था, और मैंने इनको जो है जिंदा ही इस पर क्रॉस पर लटका दिया था। तो मेरे खिलाफ विद्रोह करने से पहले किसी व्यक्ति को ना 100 बार सोचना चाहिए, यानी कि पिता ने अपना काम कर दिया। पिता ने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, बस उसको समझा दिया कि भाई आप जो है ना, अगर आपके मन में कोई विद्रोह का बीज उग रहा है तो उसको प्लीज अभी दबा दो, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, आपको भी मैं इसी तरह यहाँ पे टांग दूंगा। ठीक है, तो ये पूरी घटना जो घटी, इसके बाद इसका जो ये बेटा था ये चला गया बंगाल, और बंगाल जाने के बाद ये कभी वापस नहीं आया। इसने कहा कि भैया मैं नहीं आ सकता, मैं इस चीजों को सहन नहीं कर सकता, तो आप जो है जिसको राजा बनाना है बना लेना, मैं फिलहाल चलता हूँ। तो ये सारी घटना यहाँ पे घटी थी। बड़े ही स्ट्रिक्ट ये व्यक्ति हुआ करते थे, बहुत ही सीवर पनिशमेंट ये दिया करते थे, मैंने बताया ना बहुत ही सीवर पनिशमेंट इनके हुआ करते थे। बड़ी अलग अलग कहानियां हैं। इन्होंने अपनी सभा में दो और चीजें चलाई थी, एक था पेबॉस, ठीक है, ये आखिरी बात सुन लीजिए, फिर मैं इसके बाद कल बताऊंगा इसके बारे में कुछ बातें। एक था सिजदा। पेबॉस क्या होता था, पेबॉस होता था कि भाई आप जैसे ही राजा की सभा में आओगे तो राजा की सभा में आने पर आपको दो चीजें करनी होंगी। पहले एक तो आप सामने जो है जब खड़े होंगे ना तो आप झुकोगे, सिजदा करोगे, सिजदा मतलब सजदा करना, मतलब झुक के प्रणाम करोगे, ऐसे रखते हैं ना, ऐसे हाथ रखते हैं और फिर झुकते हैं, तो वो करोगे। दूसरा आप क्या करोगे, दूसरा राजा जब आपका वो सिजदा ले लेगा तो उसके बाद आपको आपके सामने ना ऐसे पैर उठाएगा ऊपर, ठीक है, पैर उठाएगा और आपको आगे जाना होगा। आप आगे जाओगे और आपको आगे जाके जो है राजा के पैर का अंगूठा चूमना होगा, वो कहलाता पैबॉस।
ठीक है, किसिंग द टो ऑफ द फीट ऑफ किंग, यानी कि अपने राजा के कदमों के टखनों को चूमना। तो ये जो थी ये ना पर्शियन रीति रिवाज थे। तो ये सारे पर्शियन रीति रिवाज किसने शुरू करे थे, ये बलबन ने शुरू करे थे। ठीक है, आज भी जो पर्शियन लोग होते हैं वो एक त्योहार बनाते हैं नवरोज, ठीक है। तो ये नवरोज त्योहार भारत में इसने ही शुरू किया था और आगे चलकर इसको खत्म किया था किसने, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इस त्योहार को खत्म कर दिया था, यानी इसको मनाना बंद करवा दिया था। ठीक है, तो ये सारी घटना थी। इसके बाद बात आती है कि भाई कैसे इसने अपने जो सत्ता है उसको बनाया, कैसे इसने एक स्टैंडिंग आर्मी बनाई वगैरह, वो सब बातें भी है, वो सब मैं आपको कल बताऊंगा। और कल उसके बाद फिर मैं आपको खिलजी वंश की तरफ ले चलूंगा कि कैसे खिलजी वंश ने अपनी सत्ता को हासिल किया और कैसे वहां पर फिर अलाउद्दीन खिलजी आए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाले हैं आने वाले, तो इन सभी लेक्चर्स को जानने के लिए, समझने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके साथ साथ सेशन को यार थोड़ा शेयर किया करो अपनी फेसबुक पे, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, और उसके साथ साथ अगर सेशन पसंद आया तो लाइक भी करके जाना, ठीक है। इसके बाद अब कल मिलेंगे 12 बजे, और 12 बजे मिलके जो है यही आगे चीजों को कंटिन्यू करेंगे, चीजें देखेंगे, और उसके साथ साथ कैसे अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर आया वो भी हम जानेंगे, ठीक है। चल तो फिलहाल के लिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं बच्चे। सुदेविका मैंने यही बताया, यहाँ पर दो नासिरुद्दीन महमूद हुआ करते थे। 1229 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई थी, शायद आप शुरू में आए नहीं थे, एक बार सेशन को शुरुआत से दोबारा देखना। 1229 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई थी, उसी दौरान इल्तुतमिश के एक और बेटे का जन्म हुआ था जिसको इन्होंने नाम दे दिया था नासिरुद्दीन महमूद। तो इस वजह से दो नासिरुद्दीन महमूद हुए हैं, ठीक है, बात समझ में आई। चलो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, इस सेशन को शुरुआत से दोबारा देखना सुदेविका, आप दोबारा समझ जाओगे क्या पूरी कहानी थी। फिलहाल के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल 12 बजे। टिल देन इट वाज नाइस टीचिंग यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, एंड